डॉक्टर संदीप भारद्वाज एमपीटी न्यूरो कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन जेके लॉन एसएमएस हॉस्पिटल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शोल्डर पेन का पार्ट टू बताने जा रहा हूँ। इसमें मैंने आगे के लेवल की एक्सरसाइजेज बताई हैं जो पार्ट वन से आगे। जिन लोगों ने पार्ट वन की एक्सरसाइजेज कर ली हैं वो पार्ट टू के एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं ये करने से आपके रेंज में सडन चेंजेज आएगा, जिन 40-50 डिग्री एक साथ आपके ओपन हो जाएंगी और उससे पेन भी काफ़ी कम हो जाएगा। पार्ट वन में मैंने जैसे आपको बताया था कैसे आपको सोना है, कौन कौन से लाइट एक्सरसाइजेज आपको करनी है, वैसे फ्रेंड्स इसमें बताई हुई एक्सरसाइजेज आप रोटेटर कफ इंजरी में भी कर सकते हैं। काफ़ी सेफ एक्सरसाइजेज हैं, हालांकि मैं रोटेटर कफ इंजरी पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज आप फ्रोजन शोल्डर के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करेंगे। अगर ये एक्सरसाइजेज आप दिन में 3 बार करते हैं और 2 बार हॉट वाटर बैग से सेक करेंगे तो आपको पेन काफ़ी कम हो जाएगा। जो नाइट में पेन होता है, किसी भी तरीके का शोल्डर पेन हो, ये एक्सरसाइजेज आप इसमें कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शोल्डर के सेकंड पार्ट में आपको मैं स्टिक से एक्सरसाइजेज करना बताऊंगा। जैसे कि घर में आपके पास कोई स्टिक है, ऐसे आपको एक स्टिक लेनी है, इसको आपको इस तरीके से होल्ड करना है और आपका राइट शोल्डर फ्रोजन है या पेन आपको राइट शोल्डर में है तो आपको क्या करना होगा, ऐसे होल्ड करना है और नोटिस करें अपने एल्बोज बिल्कुल बॉडी के टच रहेंगे। इसके बाद आपको अपोजिट जो लेफ्ट हैंड है उससे आपको इधर पुश करना है तो एक रोटेशन फोर्स क्रिएट होगा वहाँ पे, इसको लेटरल रोटेशन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा मीडियल रोटेशन आपका स्टिफ हो जाता है, सेकंड नंबर पे ये रिस्ट्रिक्ट होता है। तो हमें लेटरल रोटेशन को इस तरीके से रेंज वापस लेकर आनी है लेटरल रोटेशन। तो स्टिक से आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे देन रिलीज, 5 सेकंड होल्ड करेंगे देन रिलीज। इसमें ध्यान दें जब आपको ऐसा पेन हो तो ऐसे उठाएंगे नहीं, जिस रेंज तक जा रहा वहाँ तक जाने देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, स्टिक को इस तरीके से होल्ड करना है देन सीधे लेटने के बाद। फ्रेंड्स, ये सभी एक्सरसाइज सीधे लेट के इसलिए करनी है जिससे आपको पेन कम होगा और रेंज ज़्यादा गेन होगी, क्योंकि अगर आप ये एक्सरसाइज खड़े होकर करेंगे तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी आपको पेन ज़्यादा होगा। तो इसमें आपको ऐसे होल्ड करना है देन इस तरीके से फोर्स करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे। जैसे आपका यहाँ तक जा पा रहा है तो यहाँ थोड़ा सा और ओवर प्रेशर क्रिएट करेंगे देन होल्ड करेंगे थोड़ी देर, फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आते समय ध्यान रखें ऐसे नीचे आएंगे, नीचे आते समय भी एक ट्रैक्शन फोर्स बाहर की तरफ रहेगा, ऐसे ही आपको ऊपर जाना है, उसके बाद ऐसे ही आपको नीचे की तरफ आना है। 10 रिपीटेशंस आपको करने ही है इसमें। नाउ उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको सिटिंग में करेंगे, सिटिंग में इसी तरीके से होल्ड करेंगे देन अपोजिट से पुश करेंगे। जैसे आपके राइट में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट से होल्ड करेंगे देन रिलैक्स, होल्ड करेंगे देन रिलैक्स। इसके बाद जैसे ये आपने देखा होगा एक पोजीशन है जो आप भी जानते हैं, इसमें आपको यहाँ रखना है स्टिक को, यहाँ रखना है इस तरीके से, अपने दोनों हैंड स्टिक के बैक साइड से इस जगह रखना है। ये जो एक्सरसाइज फर्स्ट वीडियो में मैंने बताई उसके और अभी जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज बताई उसके बाद करना है। जब आप तो कुछ लोग ये एक्सरसाइज इस जगह पे करेंगे उसी में उनको यहाँ पे स्ट्रेस फील होगा राइट शोल्डर में, और ये भी एक एक्सरसाइज है। इस पोजीशन को आप होल्ड करना है 15-20 सेकेंड होल्ड करें और 4 राउंड करें, फिर ऐसे करेंगे वापस से ऐसे करके अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे। नाउ इसके बाद नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज में इस तरीके से आपको टर्न करना है राइट साइड। जब आप टर्न करेंगे तो आपको कैप्सुलर स्ट्रेच फील होगा, शोल्डर जॉइंट पे एक स्ट्रेचिंग फील होगी, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उसको स्ट्रेच करने की। फ्रेंड्स, किसी को भी पेन ज़्यादा होता है या तकलीफ ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो मुझसे मिलें, फिर उनका ट्रीटमेंट सेंटर पे होगा। तो घर पे कोशिश करें इस तरीके से ऐसे होल्ड करेंगे, फिर इधर जाएंगे 10 सेकेंड आप होल्ड करेंगे देन रिलैक्स। कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज मैं बता रहा हूँ, तो ये इस तरीके से अपने राइट हैंड में अगर आपको प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड से यहाँ पे आप फोर्स रखेंगे, अपने हैंड को ऐसे रखेंगे और इस तरीके से उस पर जोर लगाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड देन रिलैक्स। अपोजिट एंटी प्रेशर क्रिएट करेंगे, इस हाथ से इधर प्रेशर करना है, इस हाथ से इधर, तो इस तरीके से आपको 10 सेकेंड के लिए होल्ड देन रिलैक्स। ऐसे ही ये एक्सरसाइज आपको यहाँ से करके भी इधर करना है,
इसके बाद ये एक्सरसाइज आपको गेट के पास खड़े होके या किसी दीवार के पास खड़े होके अपने हाथ को यूँ रखना है और दीवार या गेट का जो कॉर्नर होता है उस पर टच करेंगे, देन फोर्स, 10 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स। ऐसे ही अपोजिट आप अपनी साइड चेंज कर लेंगे और बाहर की तरफ भी 10 सेकेंड होल्ड देन रिलैक्स। कई बार ये थेराबेंड के साथ बताई जाती हैं तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऐसे करेंगे तो बिना थेराबेंड के भी आपके बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस घर पे हो सकती हैं। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कॉर्डमेंस पेंडुलम एक्सरसाइजेस बताई, आप लोगों ने वो एक्सरसाइजेस अच्छे से की होगी। उसके बाद अब नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइजेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेंडुलम में। इसमें आपको क्या करना है, या तो डंबल लेना है अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आप 1 लीटर की बोतल लेंगे, उस बोतल को अपने हाथ में लेंगे जिससे कि यहाँ पे एक ऑटो स्ट्रेच ट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा। उसके बाद आप पेंडुलम एक्सरसाइज करें, इससे भी पेन काफी कम होगा और रेंज बहुत जल्दी आप गेन कर पाएंगे। तो इसमें क्या करना होगा, सेम वैसे ही आगे की तरफ आपको इसे झुक जाना है, डाउन देन मूव इट, इससे ट्रैक्शन फोर्स भी होगा और पेंडुलम यानी रेंज आपको ऊपर तक जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। इस तरीके से करना है। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है, ऐसे रखना है एंड इस तरीके से करना है, जितना टर्न कर पा रहे करेंगे, एक साइड में खड़े हो जाएंगे, देन मूव इट, ये लेटरल और मीडियल रोटेशन को खोलने के बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये आपको 5 to 7 मिनट तक करना है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा शोल्डर पेन के लिए, जिसमें रोटेटर कफ इंजरीज होंगी। वीडियो शेयर करें, लोगों के पास पहुंचाएं ताकि वो घर पे रह के ठीक हो सकें। जिनको भी शोल्डर की तकलीफ है वो घर पे इसको ठीक कर सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझसे 1-to-1 मिल सकते हैं, और आप आ नहीं सकते तो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा मिशन है कि आप लोग घर पे ठीक हो जाएं, इसके लिए आप जो भी परेशान हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।